समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को भदोही जिले में शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने शिक्षकों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा सरकार में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने हमारे कराए विकास कार्यों का उद्घाटन के बाद भी उद्घाटन किया। इस सरकार के पास सिर्फ रंग बदलने, नाम बदलने और दूसरों के काम को अपना काम बताने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ के कालीन के कारोबार को बढ़ाने के लिए समाजवादियों ने काम करने का काम किया था और बहुत शानदार सड़क, जिससे बाहर के खरीदने वाले जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हैं, वो आकर के हमारे कारपेट बाजार को देखना चाहें और कारोबार करना चाहें तो उन्हें मौका मिलता था यहाँ आकर के आसानी से कारोबार कर सकें। इसलिए एक्सपोर्ट मार्ट भी बनाया और उसको जोड़ने वाली सड़क भी बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं। और भदोही के लोगों, आप भाग्यशाली हो कि आपके एक्सपो मार्ट का उद्घाटन फिर उद्घाटन किया। ये पहली सरकार है जिसके पास रंग बदलने के अलावा, नाम बदलने के अलावा, दूसरों का काम अपना काम बताने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम समाजवादियों ने गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए लैपटॉप बांटा। अभी सुनने में आया है कि ये सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। नौजवानों के पास स्मार्टफोन तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप इसीलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लैपटॉप चलाना खुद नहीं आता। और याद कीजिए समाजवादी साथियों, हम लोग समाजवादी लोग तो लैपटॉप बांट रहे थे और लैपटॉप इसलिए बांट रहे थे कि कम से कम गरीब के बच्चे पढ़ लिख लें और उनके अगर मिल जाए तो आगे की भविष्य की पढ़ाई भी कर लें। अभी सुनने में आया है कि ये सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। ये स्मार्टफोन हमें समझ में नहीं आ रहा, और जब नौजवानों के पास अपने आप फोन पहुंच गया तब सरकार कौन सा स्मार्टफोन देने जा रही है। और फिर मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लैपटॉप नहीं दिया, मैंने कई सभाओं में कहा और फिर कहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बांटते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले सभी पार्टी सम्मेलन से चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। पंजाब केसरी के लिए भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।